हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेरी नानी रोज अपने मंदिर में किस प्रकार से पूजा करती है ये दिखाने वाली हूँ। तो जितने सालों से मैं नानी को देखते आ रही हूँ उतने सालों में सेम तरीके से वो रोज पूजा करती हैं, बस थोड़ा सा बदलाव आया है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो उनके जितने भी पूजा के बर्तन हैं वे उन्हें रोज साफ करती हैं। उसके बाद जितनी भी पीतल की मूर्तियाँ हैं उन्हें अच्छे से नहलाती हैं, तो जल में थोड़ा सा दूध मिक्स करके उससे सरस्वती माता को, साईं बाबा को और लड्डू गोपाल को, तीनों को वो स्नान कराती हैं। इतने सालों से उनके मंदिर में सेम भगवान जी हैं और सेम बर्तन हैं। ये जो आप छोटी सी थाली से देख रहे हैं और ये जो माला है ये सच्चे मोतियों की माला है, वो दिया, चांदी का सिक्का, लुटकी, सब कुछ बहुत ज़्यादा पुराना है। जब से मेरी नानी पूजा कर रही हैं अपने ससुराल में यानी अपने घर में, तब से वो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करती हैं। तो ये देखिए, एक एक करके सभी को नए वस्त्र, साफ धुले हुए कपड़े पहनाती हैं और जो उससे एक दिन पहले पहनाए होते हैं वो उन कपड़ों को धोकर वहीं पास में सुखा देती हैं। इसके बाद साईं बाबा को, सरस्वती माता को और लड्डू गोपाल को, तीनों को सजा धजा कर वो उनकी जगह पर वापस से विराजमान कर देती हैं। इसके बाद ये जो उनकी रोली की डब्बी है इससे वे भगवान को तिलक करती हैं, सभी को तिलक करती हैं। ये डब्बी भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये मेरी नानी की भी सासू माँ की है, सिंदूर की डब्बी है ये। तो ये देखिए, ये जो बर्तन है इतनी देर में ये सारे बर्तन सूख जाते हैं, चांदी का सिक्का और ये प्लेट, दिया, कटोरी जो भी है वो सब सूख जाते हैं। फिर वो प्रसाद रखती हैं और इसी के साथ साथ जल भी रख लेती हैं, क्योंकि भगवान को जल और प्रसाद जो भी होता है वो हम भगवान के पास ही रखते हैं। हमारे घर पर भी यही ऐसे ही नियम है और मेरी नानी भी ऐसा ही करती हैं। इसके बाद वो कलावे की बत्ती जलाती हैं, तो दिया छाछ लेंगे सबसे पहले। इतने सालों से वो सेम तरीके से ही पूजा करती हैं। उनका मंदिर थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब खड़े होकर पूजा करनी पड़ती है। इसके बाद सभी देवी देवताओं को हम रोली का टीका लगाएंगे, चावल अर्पित करेंगे। पहले जब मैं छोटी थी तो वो जो चंदन की लकड़ी है उनके पास, अब वो मंदिर की ड्रॉवर में रखी हुई है, क्योंकि पहले नीचे बैठकर पूजा करती थी तो आराम से वो चंदन की लकड़ी चकले पर घिस ली जाती थी, बट अब उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है खड़े होकर, इसलिए वो जो नॉर्मल पाउडर वाला चंदन आता है वही यूज़ करती हैं। पर जब मैं छोटी थी तो वो उस चंदन की लकड़ी से रोज भगवान को और खुद के माथे पर भी तिलक किया करती थी। तो ये देखिए, इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी पूजा कंप्लीट कर ली है। भगवान की आरती करेंगे, पहले वह नाम जाप भी करती थी और रोज एक पेज रामायण का जरूर से पढ़ती थी, पर अब जैसा मैंने आपको बताया मंदिर दीवार पे लगा हुआ है तो खड़े होकर रामायण पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है और ज़्यादा देर उनसे ज़मीन पर भी नहीं बैठा जाता है। तो इसलिए अब अगर कभी मौका मिला तो वो रामायण पढ़ लेती हैं, वरना ऐसे ही भगवान की आरती कर उनका आशीर्वाद ले लेती हैं। तो इसी तरीके से वो इतने सालों तक पूजा करती आ रही हैं और आज भी इसी सेम प्रोसीजर से करती हैं। पहले वे रामायण भी पढ़ती थी जैसा मैंने आप सभी को पढ़ाया, रोज उनका नियम था वो एक पेज रामायण का कम से कम एक पेज ज़रूर पढ़ती थी। तो इसी तरीके से उनकी सादी, सरल और बहुत ज़्यादा भावों से भरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको यह पूजा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।